हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबका स्वागत करता हूँ एक दोबारा से अपने नए व्लॉग में। और अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं ऑब्वियसली, एक्चुअली मुझे 2 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, और 2 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं करा है जब से मैं वाराणसी से निकला हूँ। और अभी तक कोई सीरियसली व्लॉग नहीं करा, बस छोटी मोटी वीडियोज़ बनाई थी। तो आज से दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज आई नीड अ ब्रेक, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ ट्रैवल कर करके। तो अभी मैंने यहाँ पे एक दिन बढ़िया सोया हूँ। अभी बज रहे हैं 2 और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में। एक्चुअली यहाँ पे जो जो बैद्यनाथ मंदिर है, जो कि है झारखंड में, इसका जो टाइमिंग है वो रहता है 6 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक। और अभी बज रहे हैं 2, तो अभी 2 घंटे हैं अभी मंदिर जाते हैं। सो देखो, मैंने अब दोबारा से अपने वही आउटफिट्स पहन लिए हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। और इतने दिन हो गए मुझे ब्लॉग करे हुए, तो मुझे भी एक्चुअली दिनों का पता नहीं चल रहा है कैसे दिन बीत रहे हैं यहाँ पे। सो अभी काफ़ी लेट हो गया, मैं भी जब से यहाँ पे आया मैं गया ही नहीं मंदिर। बस एक बार कल शाम को निकला छोटी मोटी मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करके फिर वापस आ गया था। तो अभी बस निकलते हैं और आप सबको दिखाते हैं बाहर का व्यू कैसा है। चलो चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो आज थोड़ा सा व्लॉग शूट हो जाएगा। और बाकी कल सुबह दोबारा जाएंगे इसी ड्रेस में, और कल सुबह पूजा करेंगे। आज जाके माथा टेक लेते हैं, भगवान जी से मिल लेते हैं, और तो कुछ नहीं यार। इतनी लेट लेट उठेंगे तो कहाँ से काम चलेगा ना। सो अभी चलते चलते ये रास्ता पूछ रहा था मंदिर का रास्ता कहाँ से है, तो एक अंकल मिल गए और वो कहने हैं, सब कुछ बताने लग गए कि कैसे क्या होता है। हाँ चलो, हम आपको गेट तक छोड़ देते हैं। पता नहीं यहाँ पे आके ना लोग ज़्यादा स्वीट हैं या मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इतनी ज़्यादा स्वीटनेस है, आई रियली डोंट नो। बिकॉज वाराणसी की जो लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा खड़ी है, मतलब थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे, अरे आओ आप मुझे ज़्यादा आपको इतना इतना रुपये, बहुत स्वीटनेस से बात करते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। दिखाता हूँ अंकल जी। तो ये हैं वो अंकल जी, हैं तो पंडित जी लग रहे हैं, बाकी पता नहीं। अरे गलियों गलियों से लेके जा रहे हैं, कह रहे वैसे तो गेट बंद है बट दर्शन के लिए एक गेट खुला है। कह रहे थे दर्शन के लिए एक गेट खुला हुआ है, तो वहीं से आपको ले चलते हैं। मैंने कहा ठीक है ले चलो। सो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर और पहले दर्शन दूर से हुए हैं, अभी बन रहा है थोड़ा सा। सो कुछ इस तरह से एंट्री हुई है। तो वो जो बाबा मिले थे उन्होंने पता नहीं मतलब कुछ मंत्र वंत्र बाहर ही मेरे से पढ़वा दिए, अभी मुझे पता नहीं है पर ठीक है। कह रहे मंदिर के अंदर ही वो मिलेंगे मुझे, और मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ। सो उन्होंने प्रसाद वरसाद सब दिलवा दिया। चलो ठीक, कुछ इस तरह का रास्ता है। चप्पल मैंने वहीं उतार दी थी, मुझे तो वैसे अच्छे लग रहे हैं फूल्स। यार तब से ना सबवे पाथ पर ही चल रहा हूँ, और ओहो दिखाता हूँ आपको क्या दिखा मुझे अभी। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से लाइनें शुरू होती हैं, और यहाँ से लाइनें शुरू हो के ये सारी लाइनों का है ना, लाइनें आती है ना ऐसे, खाली है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती होगी, सोचो भाई कितनी लाइनें हैं। ओहो, ये देखो तो जब शिवरात्रि होती होगी तो कितना ज़्यादा भीड़ होती होगी, जो इन्होंने इतनी सारी वो लाइनों के लिए वो लगा रखे हैं। वो बाबा जो मिले थे तो पहले से ही वहाँ पे पहुँच गए, और
पहले से मेरे इंतज़ार में यहाँ पहुँच गए, पता नहीं गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। नवरात्रे शुरू हो गए हैं, हैप्पी नवरात्रे टू ऑल ऑफ यू। और ना यहाँ पे खेतरी बीजी हुई थी, सो गाइस जैसा आप देख सकते हैं दर्शन हो गए हैं और दर्शन बहुत ही प्यारे हुए हैं, मतलब बहुत खुले दर्शन हुए, जैसे कहते हैं ना भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी बाबा हमें दिखाने लेके जा रहे हैं, यहाँ पे तालाब है जो मेन, जिनका कुछ होगा रीज़न मुझे पता नहीं है, तो ये तालाब दिखाने मुझे लेके जा रहे हैं। सो तालाब देख के वापस मैं आऊँगा, वापस एक बार आपको मंदिर के अंदर के एक बार दर्शन करा दूँगा, बिकॉज अभी मैं माथा टेक रहा था और इस टाइम पर मैंने कैमरा निकाला नहीं, और कैमरा से मतलब फ़ोन निकालने में थोड़ी सी इशू होता है। तो बाकी मैंने एक मंदिर के अंदर का शॉट लिया, वो आप देख लोगे। सो यस, बाकी सच बता रहा हूँ बहुत ही मज़ा आया आज, भगवान के इतने खुले दर्शन हुए, मज़ा आया। सो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे गंगा तालाब है और गंगा वाटिका कहते हैं। तालाब है, इसमें स्नान करके वहाँ जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। अब ये तो बहुत गंदा हो रहा है। गंदा तो हो रहा है, साफ सफाई नहीं होती, सारा मशीन वगैरह। कोरोना काल से इसका क्या मतलब है, साफ सफाई तो होनी चाहिए, यात्री नहीं आवे तो इसको गंदा छोड़। ये तो गलत बात है, देखो अंदर सारा कूड़ा वूड़ा सब पड़ा हुआ, नहाएंगे कैसे। और साबुन से नहा रहे हैं वहाँ पे वो, तो साबुन यही एक तालाब है ही है देवघर में। अच्छा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, सप्लाई का वाटर आता है, चार रोज में पांच रोज में उसमें पियोगे खाओगे या स्नान करोगे कपड़ा धोओगे, जो कुछ है यही है। अच्छा, तो आपको दिखाता हूँ, ये देखो वहाँ पे वो साबुन पूरा लगा के बिल्कुल नहा रहा है, और ये देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, ठीक है। जल, अच्छा जल है, बाकी ये यहाँ से पेड़ा दाना वगैरह वगैरह खरीद के ले जा सकते हो, सब प्रकार। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पे 5000 परिवार है जो सब मिलके पूजा करते हैं ना, कोई मेन परिवार नहीं है। ओके, बाकी अंदर दर्शन करके तो बहुत मजा आया। सो मैं अभी दोबारा ओवर ब्रिज पे आ गया हूँ यार, ओवरहेड ब्रिज कहते हैं जो भी ब्रिज कहते हैं उस पे, बिकॉज मंदिर के मेन जो मंदिर की एंट्री है ना वो सिर्फ इधर से ही है और कहीं से नहीं है। जो एग्जिट गेट है वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं और वो जाने नहीं देते। सो अब मेरे साथ वो जो बाबा थे उन्होंने मुझे दर्शन तो करा दिए थे, बट मैं ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना चाहता था, मैंने कहा इनको पहले हम फ्री कर देते हैं, पहले इनको हम दर्शन कर देते हैं, फिर हम आराम से जाके शांति से खड़े होंगे वहाँ पे। तो मैं इसलिए दर्शन करके बाहर आया, तो दोनों ने दोबारा अंदर जाने नहीं दिया, तो मैं दोबारा जा रहा हूँ वहीं पर और अब आराम से जाके खड़े होंगे वहाँ पे। अब इतनी दूर से मिलने आए हैं, 5 मिनट दर्शन किए और कैसे जा सकते हैं ना अभी, और वहाँ पे खड़े होके वो वाइब को फील करेंगे, मज़ा आ गया यार, अलग ही लेवल, लेवल का पता नहीं बट सच में कह रहा हूँ बहुत ही अलग नशा था, नशा वहाँ पे खड़े होने का। और जब मंत्रों की चैंटिंग होती है ना वो तो नेक्स्ट लेवल है यार। सो गाइस यहाँ से मंदिर का रास्ता होता है शुरू, जो मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। जब मंदिर का एंट्री है ना बहुत ही अलग एंट्री है, आपको क्या बताऊँ, दिखाता हूँ मैं आपको ज़रा, बहुत ही अलग एंट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगता है कितना प्राचीन मंदिर, ऑब्वियसली इट्स प्राचीन बट मेरे लिए थोड़ा सा अलग था, दिखाता हूँ आपको। अभी उनके साथ गए थे, क्या बाबू उनके साथ गए थे, दक्षिणा देनी है, कितने दक्षिणा लगता है बाबू, कितना जितना दे सकते हो अंदर दक्षिणा देके जाना अंदर। सो दक्षिणा निकाल लीजिए अपने अपने हाथ से, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे तो आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी कुछ भी। सो मैंने बोला चेंज नहीं।
बापू नाम कहते जाओ बापू खुला नाम सो गाइस दर्शन हो चुके हैं दोबारा भी और ये आपको मंदिर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ आपको। ये शिव जी का मंदिर है और ये वाला है पार्वती माँ का। यहाँ पे कहते हैं कि जो पार्वती माँ के एक्चुअली आई एम नॉट श्योर जो भी है यहाँ पे उनका हृदय गिरा था। तो ये शक्तिपीठ भी है और यहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है। सो दिस इज़ द जो भी मान्यता है यहाँ की। सो यहाँ की ये मान्यता है और बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं ये दोनों, अपने आप में बहुत ज़्यादा पवित्र हैं ये दोनों मंदिर। और ये जो आपको दिख रहा है ये गठबंधन होता है शिव जी और पार्वती माँ का। यहाँ पे आके आप पंडित जी को कह के यहाँ पे खुद अपना गठबंधन भी करवा सकते हो। 300 रुपये उन्होंने मेरे को बताए थे कि 300 रुपये वो लेते हैं, तो उसके बाद वो गठबंधन कर देते हैं। और यहाँ का जो प्रसाद है वो गठबंधन को थोड़े टाइम बाद शायद उतारते हैं और वो आपको प्रसाद में दे देते हैं। और यहाँ पे छोटे बड़े 22 मंदिर हैं अलग अलग देवी देवताओं के। सो यही है, आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ मंदिर का दोबारा से। घूम रहे हैं कुछ कैमरा लेके, चलो इनसे एंगल पूछते हैं, यहाँ से एंगल कौन से एंगल से फोटो अच्छी आती है। अच्छा मुझे बताओ जहाँ से आप फोटो खींचते हो कौन से एंगल से फोटो अच्छी आती है, एंगल कौन सा बढ़िया होता है? आगे से कहाँ से? आगे सामने, सामने से इधर से। दोनों की आती है फोटो? दोनों का एक होना से इधर से वहीं से आएगा। हाँ फोटो दिखाना कोई आपके पास होगी? नहीं हमारे पास दो मंदिर वाले। आप ऐसी फोटोज लेते हैं और दूसरे यहाँ पे आकर ना थोड़ा कंफ्यूज सा हो रहा था कि मेरे को अपने YouTube के लिए थंबनेल चाहिए। ठीक है YouTube पता है ना आपको, थंबनेल पता है। तो मेरे को फोटो खींचनी थी अपने मोबाइल में, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैं कहा यहाँ पे जो फोटोग्राफर भी है ना उनसे पूछते हैं कि आप फोटो कहाँ से बढ़िया लेते हो, तो एंगल बताओ मुझे ज़रा। तो वहाँ पे खड़े होकर फोटो तो सर पीछे तक की आती है, वहाँ से दो मंदिर आएगा दोनों। एक फ़ोटो खींचोगे आप फोन में? सो अभी पिक्स ली हैं और बहुत ही प्यारी फ़ोटो खींची है भैया ने। तो भैया थैंक यू सो मच। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए फोटोग्राफी में? हमारा हो गया 12 साल। 12 साल से यहीं पे फोटो खींच रहे हैं। काम वगैरह कैसा है? तो यहाँ से बीच में कहीं और गए, फिर आए। अच्छा तो यही कैमरा यूज़ करते हो और कोई यूज़ करते हैं? साथ साथ हम बार यहीं से सीख के बार में काम करते हैं। ये तो SLR है ना? नहीं ये मिनी SLR है। मिनी SLR है ये वाला पड़ा था। ये कौन सा है? ये निकॉन का है। ये SLR है ऐसा नहीं, ये DSLR है। ये DSLR नहीं है ना? नहीं है। अच्छा SLR ही है। SLR मेरे को SLR की पता नहीं, फोटोज अच्छे नहीं थे। मेरे पास SLR पड़ा हुआ है बट मैं उसे फोटो खींचता नहीं। तो बाकी ठीक है वीडियो का। चलो थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी मंदिर माता टेक लिया। मंदिर से थोड़ी दूर निकलते एक यहाँ पे कोई साउथ इंडियन ढाबा है। ढाबा के यहाँ पर साउथ इंडियन फूड हर जगह हर ढाबे पे आपको मिलेगा। तो अभी प्लेन डोसा ऑर्डर किया है, उसे खाते हैं। उसके बाद बाकी दर्शन यार बहुत प्यारे हुए, बहुत प्यारे हुए दर्शन, तो मज़ा आ गया। और बाकी सब बढ़िया, फोटोज वगैरह भी कुछ अच्छी आई हैं तो आपको थंबनेल में देखने को मिलेगी। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी डालूँगा अभी फ़ोटोज़। बाकी सब बढ़िया है और बालों की बस ना थोड़ी लंका लगी है, बाकी तो मज़ा। एक इंसिडेंट बता दूँ आपको, वो पंडित जी थे वो कह रहे थे मेरे को कि बिना दक्षिणा के आप अंदर नहीं जाओगे। अब मेरे पास हो गए खुले ख़त्म, मेरे पास बिल्कुल भी खुले नहीं पड़े हुए। तो आई वॉज लाइक कि यार अब क्या करूँ, करे नहीं जाने नहीं दूंगे अंदर। मैंने कहा, मैंने कैमरा ऑन कर लिया, मैं अब बोलो आप कि आप जाने नहीं दोगे। दे वर लाइक 2 मिनट ना चुप हो गए, फिर और उसे थोड़े बहुत पैसे दिए और कहते, मैंने कहा पैसे तो है नहीं अभी मेरे से, कहते फिर जाओ। तो कैमरा का कहीं ना लोगों में थोड़ा सा तो खौफ है, पता नहीं ये कौन है। तो ये आ चुका है अपना डोसा, जो करारा सा प्लेन डोसा। एक चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डाउट था वो था मेरी चप्पल, क्योंकि जैसे मैं चप्पल उतार के गया था ना, दिखाता हूँ कैसे। यहाँ से जाना था, यहाँ से ऐसे, और ये रही मेरे स्लीपर्स, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डाउट था कि मैं ऐसे ही छोड़ के जा रखा था रोड पे, और कि मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मिल गए, खुशी हुई।
वापस पहन के सही तौर में ऐसी छोड़ के चला जाता हूँ। मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको मारवाड़ी खाने की दुकानें बहुत ज्यादा मिलेंगी। एक्चुअली यहाँ पे मारवाड़ी खाना बहुत ही ज्यादा फेमस है, आई डोंट नो ऐसा क्यों। सी जैसे कि आप देख रहे हैं तो मारवाड़ी खाना बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस है, हर जगह इनकी दुकान है। तो आई रियली डोंट नो क्यों, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो।